हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर टेंसेस। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसमें आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करके सेंटेंस को पहचानना है कि वो किस टेंस के हैं। जैसे शी हैड नॉट नाउन नोन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर एक्शन, इसमें वर्ब क्या है? नोन, और ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस की है ये सेंटेंस। What goes round comes around. तो ये इसमें ये present tense का sentence है। The peon will be ringing the bell. इसमें ringing verb है और ये future continuous tense है। We have tidied the house. इसमें tidied को underline करेंगे और ये present perfect है। The dramatist will write a play for us. इसमें write underline करेंगे और ये simple future tense है। तो बच्चों हमें पता है कि वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है और ये बताता है कि किस टाइम एक्शन लिया जा रहा है। तो वर्ब के चेंज होने का, टाइम के साथ चेंज होने को हम टेंस कहते हैं। किसी भी वर्ब का टेंस हमें बताता है कि कोई भी एक्शन या इवेंट किस समय पर हो रहा है। तो इंग्लिश में तीन तरह के टेंस होते हैं बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ये हमें उस समय के बारे में बता रहा होता है जब हम बोल रहे होते हैं और जो काम किया जा रहा होता है। पास्ट टेंस में हमारे बोलने से पहले वो काम हो चुका होता है और फ्यूचर टेंस में हमारे बोलने के बाद एक्शन लिया जाता है। तो हर एक टेंस चार तरह के होते हैं, सिंपल फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो सबसे पहले सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो इसमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है आई वी यू के साथ, और पास्ट टेंस में वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज की जाती है और फ्यूचर में विल या शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस जोड़ते हैं, और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म जैसे आई वेंट टू ऑफिस, और फ्यूचर में आई विल गो टू ऑफिस। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट के साथ इज आर एम के साथ वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, और पास्ट टेंस में वाज या वर के साथ वर्ब में आई एन जी, और फ्यूचर में विल या शैल के साथ बी और वर्ब में आई एन जी लगाते हैं। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, और पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल, और फ्यूचर में विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट टेंस में हम हैज हैव के साथ बीन और वर्ब में आई एन जी लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ वर्ब में आई एन जी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल या शैल हैव बीन के साथ वर्ब में आई एन जी लगाते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों हम कब यूज करते हैं? जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे मून इज अर्थ ओनली सैटेलाइट, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, या कोई भी चीज को उस चीज को दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो कि अभी तक कंटिन्यू है, जैसे द पटेल्स लिव इन दिल्ली, अभी भी रहते हैं, ही इज ए डांसर, या किसी उस चीज को दिखाने के लिए जो रेगुलरली या हैबिचुअली की जाती है, जैसे माय ब्रदर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, शी स्विम्स ए लॉट। किसी प्रोवर्ब को परमानेंट रूप दिखाने के लिए, जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो काम किया जा रहा है, अभी भी हो रहा है, उसके लिए यूज होता है, जैसे शी इज स्विमिंग इन द पूल, रोहित इज वर्टिंग फॉर कार, या किसी उस एक्शन के लिए जो एक पीरियड, टाइम के पीरियड के बाद ओवर होने वाला है, जैसे आई एम लिविंग विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, अविनाश इज लर्निंग टू ड्राइव, अभी ड्राइव सीख रहा है लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाने वाला है। और हम नियर फ्यूचर के कोई काम होने वाला है उसके लिए भी यूज करते हैं, जैसे वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट ए इटालियन रेस्टोरेंट टू नाइट, आई एम गोइंग टू द मॉल टुमारो। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो दोनों, जो सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट जो होते हैं उसमें पास्ट में एक्शन पूरे किए जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो ये दिखाता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि दे हैव बॉट बाइक, और ये किस उस एक्शन को भी एक्सप्रेस करता है जो कि हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनाइट, जैसे शी हैज लिव्ड इन स्पेन। पास्ट की इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जिसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में भी है उसके लिए भी यूज करते हैं, जैसे आई हैव लॉस्ट द कीज ऑफ द हाउस।
इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो उस एक्शन को भी डिनोट करते हैं जो कि पास्ट में किसी समय में शुरू हुए और अभी भी कंटिन्यू है। जैसे स्नेहा हैज बीन वर्किंग सिंस 6 इन द मॉर्निंग, या किसी रिपीटेड एक्शन को डिनोट करने के लिए जैसे आई हैव बीन गेटिंग दिस जर्नल एवरी वीक फॉर ए ईयर। अब हम पास्ट टेंस की बात करें। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, जो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारे बोलने से पहले, जैसे इट स्नोड यस्टरडे, या उस काम को दिखाने के लिए जो कि पास्ट में एक हैबिट होती है, जैसे माय फादर ऑलवेज एंजॉय गार्डनिंग, या उस एक्शन को दिखाने के लिए जो कि पास्ट में एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ओवर हो चुका है, जैसे आई लिव्ड इन दिल्ली टिल द एज ऑफ 6। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें कि पास्ट टेंस में काम किया जा रहा था, जैसे दे वर वॉचिंग टीवी टिल 2 AM लास्ट नाइट, या उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन एक्शन टुक प्लेस, जो प्रोग्रेस में था, जैसे दे वर हैविंग लंच व्हेन आई अराइव। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम उस एक्शन को डिनोट करते हैं जो कि दूसरे एक्शन से पहले हो चुका, जैसे व्हेन आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, आई हैड एक्सपेक्टेड टू विन द टूर्नामेंट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है बच्चों, टू डिनोट एन एक्शन जो कि किसी पास्ट में किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है या अभी जस्ट खत्म हुआ है, जैसे व्हेन आई विजिटेड चेन्नई शी हैड बीन टीचिंग देयर फॉर ए ईयर। अब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज करते हैं, जब हमें किसी फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में हम श्योर होते हैं, जैसे अदिति विल विजिट अस नेक्स्ट संडे, या किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं, वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो। शैल को हम ट्रेडिशनली फर्स्ट पर्सन आई के साथ और वी के साथ यूज करते हैं, और शैल और विल दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जो कि मूड या एटीट्यूड को एक्सप्रेस करती हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है फ्यूचर में कोई काम प्रोग्रेस में रहता है उसके लिए यूज करते हैं, जैसे श्रेया विल बी ईटिंग लंच एट दैट टाइम, और या कोई इवेंट हमने जो प्लान किया है फ्यूचर के लिए, जैसे द कैबिनेट विल बी अनाउंसिंग द एनुअल बजट, उसमें यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो किसी फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्शन के कंप्लीशन के बारे में बताता है, जैसे कि आई विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय नेक्स्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो कब यूज किया जाता है, उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ओवर हो चुका है, हो गया है और फ्यूचर में हो जाएगा, जैसे बाय द एंड ऑफ द ईयर आई शैल हैव बीन लिविंग इन बेंगलोर फॉर 6 इयर्स। अब हम बच्चों इनसे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में लिखा है, हमें उस सेंटेंस को चेंज करना है दिए गए हिसाब से, जो भी चीजें चेंज रिक्वायर्ड है उसमें। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन मेट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में टेंस चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन विल बी मीटिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करना है तो हम क्या लिखेंगे, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो, आई शैल सी हर टुमारो, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना है तो आई शैल बी सीइंग हर टुमारो, शी वर्क्स इन ए कैफे, शी इज वर्किंग इन ए कैफे, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अश्मिता वेंट टू चेन्नई, अश्मिता वॉज गोइंग टू चेन्नई, इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे द कैशियर ओपन्स द ड्रॉअर एंड टेक्स आउट द मनी, इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, द कैशियर इज ओपनिंग द ड्रॉअर एंड टेकिंग आउट द मनी, इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें यहाँ पर हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जिसको हमें जैसे फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, जैसे पीपल डैश फॉर इयर्स दैट दिस बिल्डिंग शुड बी पुल डाउन, तो हम क्या लिखेंगे, द पीपल हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग फॉर इयर्स दैट दिस बिल्डिंग शुड बी पुल डाउन। दूसरा, द सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी सीरियस एंड सोल्जर्स हैव बीन रिस्किंग देयर लाइव्स टू रेस्क्यू पीपल फ्रॉम द फ्लड्स। थर्ड, The society has been attending this competition every year since 1984. Because the children are older and need more space, we have been waiting of moving to a bigger house. How long have been you working for
फॉर मी, इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बच्चों हमें चेंज करना है, जैसे कि दे हैड बीन थिंकिंग रूमर्स फॉर सम टाइम व्हेन द न्यूज केम, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी टू हर ऑफिस बिकॉज आई हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड व्हेन ही वॉज इंटरव्यूड, एडवर्ड हैड बीन वेटिंग सिंस क्रिसमस टू बाई ए कार। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।